एशिया कप के सुपर चार में आज श्रीलंका और भारत का मुकाबला। भारत के लिए करो या मरो का मैच, शाम 7:30 बजे शुरू होगा यह मुकाबला। आम आदमी पार्टी सांसद राघव चड्ढा ने क्रिकेटर अर्शदीप के माता पिता से की मुलाकात। भारत पाकिस्तान मैच में कैच छूटने के बाद से ट्रोलर्स के निशाने पर हैं अर्शदीप। लद्दाख में पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन शुरू किया गया। रेडियो कार्यक्रमों का प्रसारण हिंदी, बाल्टी और पुरागी भाषा में होगा। 90.8 MHz पर सुन सकेंगे ये रेडियो स्टेशन। 50 MP वाला कैमरे वाला पोको M5 हुआ भारत में लॉन्च। 13 सितंबर से फ्लिपकार्ट पर शुरू होगी बिक्री। पोको का ये नया मॉडल 12,500 रुपए में उपलब्ध होगा। Amazon पर जल्द शुरू होने वाली है ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल। बेस्ट सेलिंग स्मार्टफोन पर मिलेगी 40% तक की छूट। टीवी मॉडल्स पर 70% तक की छूट ऑफर की जा रही है। आशिकी सीरीज की अगली फिल्म आशिकी 3 का ऐलान। कार्तिक आर्यन लीड रोल में नजर आएंगे। अनुराग बसु के निर्देशन में बनेगी ये फिल्म। अरिजीत की आवाज में आशिकी के गाने का टीजर भी जारी कर दिया गया है। सुष्मिता सेन और ललित मोदी के ब्रेकअप की अब खबर आ रही है। दोनों ने रिश्ते को लेकर अभी तक कुछ नहीं कहा, लेकिन ललित ने डिलीट किया सुष्मिता से जुड़ा अपने पोस्ट। बिग बॉस सीजन 16 में नजर आ सकते हैं शिल्पा शेट्टी के पति और बिजनेसमैन राज कुंद्रा। बिग बॉस 16 के लिए आमिर के भाई फैसल खान मना रहे हैं राज कुंद्रा के शामिल होने की खबर। बिहार के सीएम नीतीश कुमार आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, सीताराम येचुरी और डी राजा ओम प्रकाश चौटाला से मुलाकात करेंगे। मुलायम सिंह यादव से भी मिल सकते हैं नीतीश। मिशन 2024 की तैयारी में जुटे बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने दिल्ली में पहुंचकर राहुल गांधी से मुलाकात की। दोनों के बीच मौजूदा राजनीतिक हालात पर चर्चा हुई। दिल्ली पहुंचने पर नीतीश कुमार ने कहा, मेरी प्रधानमंत्री बनने की कोई इच्छा नहीं, विपक्ष को एकजुट करना मकसद है, सब लोग मिलकर पीएम का चेहरा चुनेंगे। एबीपी न्यूज से बातचीत में बोले जेडीयू नेता उपेंद्र कुशवाहा, नीतीश पीएम बनने नहीं बल्कि बनाने जा रहे हैं विपक्ष को एकजुट करने का मोर्चा। देश को बर्बाद करने वाली सरकार को हटाने की तैयारी है। अपहरण केस में आरोपी बिहार के पूर्व मंत्री कार्तिक कुमार फरार। मोकमा और पटना में पुलिस ने छापेमारी की, गैर जमानती वारंट भी जारी किया गया। तेलंगाना के सीएम केसीआर का बड़ा ऐलान, कहा देश में 2024 में अगर गैर बीजेपी सरकार बनी तो सभी किसानों को मुफ्त बिजली दी जाएगी। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने कहा, बिहार में हुए राजनीतिक फेरबदल का कोई देशव्यापी असर नहीं होगा, ये सिर्फ एक राज्य की घटना है। दिल्ली में राजपथ का नाम अब बदलेगा। मोदी सरकार ने राजपथ को और नए संसद भवन के लॉन का नाम कर्तव्य पथ रखने का फैसला किया। सूत्रों के मुताबिक 7 सितंबर को एनडीएमसी की बैठक में इस मामले को लेकर प्रस्ताव पारित किया जाएगा। शिक्षक दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी का बड़ा ऐलान, देश भर में पीएम श्री योजना के तहत 14,500 मॉडल स्कूल तैयार किए जाएंगे। पंजाब सरकार ने शिक्षक दिवस पर 8,736 शिक्षकों को पक्की नौकरी दी। सीएम भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल ने दी बधाई। चेन्नई में अरविंद केजरीवाल और तमिलनाडु सीएम स्टालिन ने पुधुमाई पेन योजना का उद्घाटन किया। इस योजना के तहत छात्राओं को 5वीं से 12वीं तक शिक्षा के लिए हर महीने 1,000 रुपए दिए जाएंगे। राज्य में 26 स्कूल ऑफ एक्सीलेंस और 15 मॉडल स्कूल भी खोले जाएंगे। दिल्ली में शराब घोटाले को लेकर सीबीआई ने आरोपी सनी मारवा से पूछताछ की, अहम जानकारियां इकट्ठा की। बीजेपी के स्टिंग ऑपरेशन के वीडियो के आधार पर यह पूछताछ की गई। दिल्ली शराब घोटाला मामले में मनीष सिसोदिया की बर्खास्तगी की मांग को लेकर बीजेपी आज से दिल्ली में हस्ताक्षर अभियान चलाने जा रही है। लखनऊ आग हादसे के बाद लेवाना होटल के मालिक रोहित राहुल अग्रवाल और जीएम सागर श्रीवास्तव को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। लखनऊ के हजरतगंज इलाके के लेवाना होटल पर चलेगा बुलडोजर। नक्शा न दिखाने पर होटल को सील कर गिराने का आदेश। आग हादसे में हुई थी 4 लोगों की मौत।
सोनाली फोगाट मर्डर केस में गोवा पुलिस ने नोएडा के सेक्टर 52 में सोनाली के फ्लैट की जांच की। 2013 से 2015 तक यहां सोनाली रहती थी और आरोपी सुधीर सोनाली से मिलने आता था। प्रधानमंत्री मोदी और भारत के दौरे पर आई बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के बीच आज द्विपक्षीय वार्ता होगी। रक्षा, व्यापार समेत कई मुद्दों पर इसमें चर्चा होनी है। लोकसभा चुनाव को लेकर दिल्ली में आज बीजेपी की बड़ी और अहम बैठक। अमित शाह, जेपी नड्डा, पीएल संतोष और सभी केंद्रीय मंत्री इस बैठक में शामिल होंगे। यूपी में मदरसों के सर्वे के खिलाफ जमीयत उलमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी ने आज बैठक बुलाई। यूपी के बड़े मदरसों से जुड़े लोगों इस बैठक में शामिल होंगे। दिल्ली बीजेपी के सभी विधायक आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। केजरीवाल सरकार को बर्खास्त करने की मांग की जाएगी। टाटा संस के पूर्व चेयरमैन और उद्योगपति सारस मिस्त्री का आज मुंबई में होगा अंतिम संस्कार। सड़क हादसे में रविवार को हुई थी सारस मिस्त्री की मौत। अकाली दल के नेता सुखबीर सिंह बादल आज पंजाब पुलिस की एसआईटी के सामने होंगे पेश। 2015 के बहवल कला पुलिस गोलीबारी मामले में उनकी ये पेशी होनी है। लखीमपुर हिंसा के आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। इसी साल 26 जुलाई को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आशीष को रिहा करने से मना कर दिया था। प्रभात गुप्ता मर्डर केस में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी की जमानत रद्द करने की याचिका पर सुनवाई आज। इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच में ये सुनवाई होनी है। लड़कियों को एनडीए में प्रवेश मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई। पिछले साल कोर्ट ने लड़कियों को एनडीए में शामिल करने का आदेश दिया था। इस साल की परीक्षा के लिए कोर्ट जारी कर सकता है दिशा निर्देश। बीसीसीआई और राज्य क्रिकेट संघ से जुड़े मामलों पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। बीसीसीआई ने अपने संविधान में कुछ बदलाव की अनुमति मांगी है। अगर कोर्ट उसे मान लेता है तो अध्यक्ष सौरव गांगुली और सचिव जय शाह का कार्यकाल आगे बढ़ सकता है। आर्य समाज से जारी शादी के सर्टिफिकेट पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की टिप्पणी। कोर्ट ने कहा आर्य समाज सोसाइटी से जारी सर्टिफिकेट शादी की कानूनी वैधता साबित नहीं करते। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में लगातार हो रही भारी बारिश के बाद लोगों का जीना मुहाल। रिहायशी इलाकों में जलभराव। शारजापुर इलाके में मुसीबत बना बारिश का पानी। बेंगलुरु के कोरामंगल इलाके में भारी बारिश से रिहायशी इलाकों में भरा पानी। घरों और दुकानों में पानी घुसने से परेशान हुए लोग। बेंगलुरु में रेनबो लेआउट में भारी बारिश के बाद जलभराव। रिहायशी इलाकों में घुसा बारिश का पानी। पानी भर जाने से फंसी नजर आई गाड़ियों को निकालने की लोग मशक्कत करते दिख रहे हैं। कर्नाटक के बेलंदूर लेक और आउटर रिंग रोड इलाके में भी भारी बारिश से लोग परेशान नजर आ रहे हैं। पूरे बेंगलुरु शहर में बारिश से लोगों को खासी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। तेलंगाना के जगुलांबा में मूसलाधार बारिश का कहर। नदियों का पानी बढ़ने से बाढ़ जैसे हालात नजर आ रहे हैं। भारी बारिश की वजह से सैकड़ों एकड़ में लगी फसल बर्बाद हो गई। यूपी के बाराबंकी में सरयू नदी उफान पर। नेपाल से छोड़ा गया 3 लाख क्यूसेक पानी। खतरे के निशान से ऊपर बह रही है नदी। सरयू में कटान से लोगों को के बीच बाढ़ की दहशत नजर आ रही है। जम्मू के किश्तवाड़ से पाकिस्तान के इशारे पर काम कर रहे एक मौलवी को गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ में मौलवी ने सुरक्षा बलों की अहम जानकारियां पाकिस्तान तक पहुंचाने की बात कबूली है। जम्मू कश्मीर के शोपियां में आतंकियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन जारी। 3 आतंकियों के घिरे होने की खबर। लखनऊ के लूलू मॉल में एक महिला ने नमाज पढ़ी। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। पहले भी नमाज पढ़ने को लेकर हो चुका है विवाद। दुमका में 2 लड़कियों की हत्या के मामले की जांच के लिए दुमका पहुंचे बाल अधिकार आयोग के अध्यक्ष प्रियांक कानूनगो। जांच में लापरवाही को लेकर अधिकारियों को लगाई फटकार। एसपी और डीसी के साथ बैठक की। झारखंड के दुमका में नाबालिग की रेप और हत्या के विरोध में उतरा आदिवासी संगठन। सरकार और प्रशासन के विरोध में सैकड़ों लोगों ने किया विरोध प्रदर्शन।
पुदुचेरी में एक महिला पर अपनी बेटी के क्लासमेट को जहर देकर मार डालने का लगा आरोप। पढ़ाई में लड़का महिला की बेटी से हमेशा आगे रहता था और क्लास में टॉप करता था। पुलिस के मुताबिक इसी वजह से महिला ने छात्र के कोल्ड ड्रिंक में जहर मिला दिया। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।